हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के इस नए एपिसोड में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आई होप जो ये वीडियोस आप देख रहे हैं या जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जो स्किल्स सीख रहे हैं, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों। बिकॉज सिर्फ सेल्फ हेल्प कंज्यूम करने से कुछ नहीं होने वाला। यस, आपको थोड़ा डोपामाइन किक मिलेगा कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, बट नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता। उसको एग्जीक्यूट करना भी सीखो और साथ में उसका ट्रैक रखना सीखो, जर्नलिंग करो, देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे चेंजेस लाने हैं। ये सब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। एंड दोस्तों, आई होप आपने कल की वीडियो देखी जिसमें मैंने 5 चीज़ें बताई जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, वो 5 बेसिक टिप्स। अगर नहीं देखी, वीडियो के एंड में ज़रूर देखिएगा, मैं एक कार्ड डाल दूंगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जो बिल्कुल पहले प्लान नहीं था, एकदम इम्प्रॉम्प्टो है। इसके ऊपर मेरे दिमाग में आया था क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। एंड थोड़े दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने नेफ्यू से भी बात कर रहा था एंड ही एग्रीज विद मी कम्प्लीटली। एंड दोस्तों, आज की बात हम कर रहे हैं इंटरनेट के फेक गुरुज की। तो दोस्तों, ये मॉडर्न डे स्नेक ऑयल रेमेडी बेचने वाले लोग हैं, शार्लटन्स हैं। बेसिकली पुराने टाइम में अमेरिका में क्या होता था, कुछ लोग स्नेक ऑयल बेचा करते थे और बोलते थे कि ये हर बीमारी का रामबाण इलाज है। एंड होता तो उससे कुछ नहीं था, बट इट वाज लाइक अ प्लेसिबो कि लोग खरीद लेते थे इस झांसे में आके कि ये सब कुछ ठीक कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। एनीवेज, तो दोस्तों आज के जो ये फेक गुरुज हैं, ये इंडिया में बहुत ग्रो होना शुरू हो गए हैं। इंडियंस जो इंग्लिश में बात करके, या कुछ हैं जो हिंदी में भी बात करके आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, लग्जूरियस लाइफस्टाइल फ्लेक्स करके, या फिर कभी कभी कुछ एड्स में अपना इमोशनल टच देके कि पहले मैं 9 to 5 जॉब करता था, या मैं इस चौल में रहता था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पापा बहुत एक लेबर वर्क करते थे, कुछ इस तरह से काम था, बट अब मैं ऐसा बन चुका हूँ, मेरे पास इतनी लग्जूरियस लाइफ है, मैं आपको भी सिखा सकता हूँ कैसे आप कुछ ही टाइम के अंदर इंस्टेंटली फिल्दी रिच हो सकते हैं। एंड दोस्तों, बात तो ये ऐसे करते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सुन के ऐसा लगता है कि भाई अभी इनका कोर्स खरीद लें, अभी इनका फ्री वेबिनार ले लें। और हर बंदा ना अपने अपने लेवल पे बात करते हैं। कुछ लोग छोटी चीज़ें फ्लैक्स करते हैं जैसे आईफोन 12, कुछ लोग बड़ी बड़ी चीज़ें फ्लैक्स करते हैं जैसे पोर्श, फरारी, समथिंग लाइक दैट। बट हर एक बंदा अपने लेवल पे जो फ्लैक्स कर रहा है, उस हिसाब का वो कोर्स भी बेच रहा है। जो बंदा आईफोन 12 फ्लैक्स कर रहा है या आईफोन 13 फ्लैक्स कर रहा है रिसेंट वाला, वो बंदा फ्री वेबिनार से शुरू करेगा। और जो बंदा पोर्श कर रहा है ना फ्लैक्स, वो कम से कम 100 रुपये का कोर्स तो लगा के आपको बोलेगा कि ये लो ना। सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम लोग जो इंडिया में ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब पैसे का लेके ख़रीदते हैं, हम इसका इतना महंगा कोर्स क्यों ले लेंगे। वैसे महंगा तो है नहीं आज के टाइम में, अगर देखें 100 रुपया वो छोटी बात नहीं है। बट सोचने वाली बात ये आती है, लोग क्यों खरीदें किसी का कोर्स। ऐसे कोई बंदा एडवर्टीज़मेंट में आके बोल दे कि मैं आपको अमीर बनने का तरीका सिखाऊंगा ना, दोस्तों एक जो कहते हैं ना इनसिक्योरिटी, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। आप देखो, मोस्टली आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूथ है। यूथ में वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर जो 12th पास हैं उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की। एंड इनकी मेन एडवर्टीजमेंट में थीम होता है कि ग्रेजुएशन करने की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री की ज़रूरत नहीं है, 9 to 5 जॉब की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कह लो कि ये बताते हैं कि मैं कितने पोअर बैकग्राउंड से था और आज कितना अमीर हूँ। ये तीनों चीज़ें ना हमारे मैक्सिमम यूथ को अपील करती हैं। जब उनके हाथ में फ़ोन तो है, उनके पास डिग्री नहीं है, या फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और अभी वो कितने फाइनेंशियली ब्रोक हैं या फाइनेंशियल क्रंच में हैं, उनको लगता है यार ये बात तो सही कर रहे हैं, हमने जितने भी अमीर लोग देखे हैं वो 9 to 5 जॉब तो नहीं करते, उनमें से कितने लोग अनपढ़ भी हैं या फिर डिग्री नहीं है उनके पास। इसका अगर हम कोर्स फॉलो करेंगे तो ये हमें एक टेम्पलेट दे देगा कि अमीर कैसे बनने। एंड बिलीव मी गाइस, ये जो आज सेल कर रहे हैं ना, इनके बाप के दादा मिस्टर डैन पेनिया को एक बार हमने जब सुना था, हमारा दिमाग उड़ गया था। पर फिर कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ मोस्टली फुल ऑफ शिट, क्योंकि जैसे वो बड़े बड़े दावे करता था। क्योंकि दोस्तों, जब ये गुरुज अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ बातें एक इस लेवल की भी करते हैं कि ये गॉड लाइक वो दिखते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना होता था, ये होता था। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो, इस बंदे में कुछ तो बात है, इससे कुछ सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर कुछ डैन पेनिया के कुछ शिष्य आए जिन्होंने इन लोगों को सिखाया, और आज के टाइम में जो इंडियन फेक गुरुज हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सिर्फ इंडियन फेक गुरुज नहीं, अमेरिकन्स भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी और ब्रॉडर है। एंड लोग कोर्सेज खरीद भी रहे हैं एंड इनका व्यापार सक्सेसफुली चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्यों है ये फेक गुरुज और इनके कोर्सेज आपको कोई फ़ायदा क्यों नहीं देंगे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, जब बेसिकली आप इनका कोर्स ज्वाइन करोगे, फर्स्टली आपने थोड़े हुक हो गए हो,
तभी आप इनका कोर्स ज्वाइन करोगे। और ऐसा तो है नहीं कि ये एक बार ऐड चलती है इनकी और आपके पास एक दो बार आ गई, नहीं, गलती से आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, गलती से भी आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड कुछ भी देख लिया, आपके सामने ये एड्स दबा के आएंगी इनकी, और एक के बाद एक जब वो एड्स आती जाएंगी देन उसके बाद आप फील करोगे यार कुछ तो बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि आपके फेस के सामने झूठ भी अगर कहीं बार सच की तरह बोला जाए तो वो सच लगना शुरू हो जाते हैं। देन बोलोगे खोल के देखते हैं यार एक बार इसका कोर्स, थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, नीचे कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी होंगे जो आपको ऐसे लगेंगे कि भाई साहब इसने तो इतने शिष्यों को तरक्की दी है। बट अगर आप उन टेस्टिमोनियल्स को थोड़े तरीके से पढ़ोगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि यार तरक्की क्या दी है, मतलब फाइनेंशियली ये कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं, आपको वो चीज़ वहाँ पे उनके टेस्टिमोनियल्स में नहीं मिलेगी। हाँ ये मिल जाएगा कि इस बंदे ने ये नया फाउंडेशन खोल दिया जहाँ पे ये भी कोर्सेज बेच रहे हैं, मतलब कोर्सेज बेचने वाले बंदे का स्टूडेंट कोर्सेज बेच रहे हैं, या फिर कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन करना शुरू हो गया है एंड समथिंग लाइक दैट। नाउ मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप वहाँ किस एक्सपेक्टेशन के जा रहे हो और आपको टेस्टिमोनियल्स में क्या दिख रहा है, फिर भी आप सोचोगे होप के साथ, क्योंकि होप बहुत एडिक्टिव होती है कि चलो यार कोर्स खरीद लें। एंड कोर्स ख़रीदने के बाद बेसिकली आपको चार पांच बातें बताई जाएंगी जो बेसिक सच होते हैं, जो आप फ्री में भी इंटरनेट पे सीख सकते हो, वो आपसे पैसे लेके करवाई जाएंगी। एंड देन एट द एंड में आपको ये बोला जाएगा कि दोस्तों देखो ऐसा है कि अब आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो प्रॉबेबली रीज़न ये है कि आप उतना हार्ड वर्क नहीं पुट कर रहे हैं, तो ब्लेम भी आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, या फिर सेकंड अल्टरनेटिव दिया जाएगा कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़े और इनपुट की ज़रूरत है, आप हमारा ये वाला कोर्स या सेमिनार ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे जब आप जाएंगे तो फिर से वही लूप चलता रहेगा और ये विशियस साइकिल महंगे महंगे कोर्सेज के साथ चलता रहता है। मेरा पॉइंट अब ये आता है दोस्तों कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतों का पैसा भी खर्च किया है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले पॉइंट पे गए हैं एंड देन वापस भी आ गए हैं। नाउ इन फेक गुरुज़ के पास काफ़ी बोल्ड क्लेम्स होते हैं अपनी स्टैंडिंग रखने के लिए, क्योंकि कई लोग वापस आके टेस्टिमोनियल्स भी देते हैं कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि यार ये फेक गुरु है। बट क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल में ऐसे ऐसे मैन्युपुलेटिव झूठ बोल रखे हैं जो सच लगते हैं। पहला मैन्युपुलेटिव झूठ होता है इनका कि ये बोल देंगे कि हम बेस्ट सेलर नावल हैं, जो ऊपर से लेबल्ड होती है ये बेस्ट सेलर नावल है बेसिकली, बट आप अमेज़ॉन पे जाइए या कहीं पे भी जहाँ बुक सेल हो रही है उसकी रैंकिंग अच्छे से पढ़िए नीचे, वो लाखों में भी रैंक नहीं होती है वो बुक्स ना। मेरा पॉइंट है ब्रो, अगर तुम इतने बेस्ट सेलर हो तो तुम लाखों में भी रैंक नहीं कर रहे हो यार, बुरा हाल है तुम्हारा, मतलब बसी वाला हाल चल रहा है तुम्हारा। सेकेंड बात जो आती है वो ये आती है, ये बोलते हैं कि मैंने लैक्स ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज की है। आप एक काम करो यार, इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे जाओ, 1000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको टोटल। एक काम करो उसके बाद कोई पिक्चर खोल दो, इनकी वीडियो खोल दो, उस पर व्यूज़ देखो कितने हैं। 100 व्यूज़ नहीं होंगे ये, लाइक्स बिगिन में चुन में लाइक्स होंगे, ठीक है। तो इसकी बात एक क्लियर हो जाती है कि उन 1000 फॉलोअर्स में से भी थोड़े से ही हैं जो एक्चुअल फॉलोअर्स हैं, बाकी सारे बॉट्स हैं। सीधी सीधी बात वहीं ख़त्म होती है। एंड तीसरी बात जो आ जाती है कि ये बोलते हैं हम टेडएक्स भी कर रहे हैं या समथिंग, हमने वैसा कुछ बात की है वहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब बात आती है टेड टॉक देने की, तो आप ये बोलते हो कि मैंने टेड टॉक दिया है इस एरिया में एंड टेड टॉक के लिए आपको बुलाया जाता है, वेयर एज़ टेडएक्स एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। टेडएक्स का इवेंट अगर आप भी चाहो तो आप भी ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो और उसके बाद आप भी क्लेम कर सकते हो कि आप एक टेडएक्स स्पीकर हो। टेड टॉक्स और टेडएक्स में बहुत फ़र्क है, तो इतने बड़े डिफरेंस का जो फ़ायदा है वो ये लोग ऐसे उठाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आपको इंटरनेट पे कोई कोर्स सेल कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हर कोर्स गलत होगा, मेरा बस इतना सा कहना है कि फेक गुरुज बहुत सारे फैले हुए हैं। पहले डैन डैन द फकिंग मनी मैन था, एंड देन आफ्टर दैट उसने बहुत सारे अपने शिष्य बनाए अमेरिका यूरोप में, एंड उन लोगों ने अपना प्रचार किया इन इंडियन लोगों को, और ये इंडियन लोग अब यहाँ प्रचार कर रहे हैं और अपना वायरस फैला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। प्रोडक्ट एट दी एंड आप होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता ये आपकी इनसिक्योरिटी पे हंट कर रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, एंड आप तो पैसे दे रहे हो, एक बंदा 100 देता है। अब खुद सोचो अगर 100 बंदा भी 100-100 दे रहा है तो उनका कितना प्रॉफिट होता है, और उसके बाद लूप में फंसने वाले तो और कितने पैसे देते हैं, तो कैसे पैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। ये तरीका है इनका पैसा कमाने का दोस्तों, एंड आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए समझिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने इनका कोर्स आए, हो सकता है कोई जेन्युइन ऑथेंटिक कोर्स भी आए आपके सामने, सिंपल सी बात है
पहले तो जाके टेस्टिमोनियल्स को पढ़ो, उस इंसान के बारे में रिसर्च करो। जब आप जानना शुरू करोगे ना इंटरनेट पे, काफ़ी नॉलेज आपको तब मिलेगी। ये नहीं कि चार पांच वीडियोस एक ही बंदे की बोली हुई सुन लो और उसके वर्ड ऑफ माउथ पे उसी का कोर्स खरीद लो, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा जो सेल कर रहा है सेल्फ हेल्प में वो एक तरह का शार्लटन है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, लाइक जॉर्डन पीटरसन, डेविड गॉगिंस, जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि डेविड गॉगिंस जो है वो एक सेल्फ मेड मैन है, जो अपनी ज़िंदगी का जंगनामा, अपनी हीरो जर्नी शेयर करता है और साथ में आपको भी चैलेंज करता है। बिकॉज वो इंसान बचपन में कैसा था, कितना फैट लेजी डरपोक इंसान था, और आज वो कहाँ पे है और कितनी बड़ी बड़ी फीट्स उसने लाइफ में अचीव की हैं। साथ ही साथ उसकी लिविंग विटनेसेस भी बहुत लोग हैं जो आपको उसकी इस जर्नी का सबूत दे सकते हैं। पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कितने लोग हैं नेवी सील्स में, एक वो इंसान और साथ जॉर्डन पीटरसन, जिस इंसान ने कितने सालों तक प्रैक्टिस की है साइकोलॉजी एंड अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपके साथ बुक्स में अगर कुछ शेयर करता है, तो उन लोगों से सीखो, उनके लेसन्स लाइफ में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो बहुत डीपर और वर्ड्स ऑफ विजडम से आ रहे हैं। इतनी बात कहना चाहता था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस के लिए कोई आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, एनालिसिस करूंगा। एंड आप लोगों को अगर मेरे हसल व्लॉग्स देखने हैं, डेली हसल व्लॉग्स, ताकि एक ड्राइव बना रहे, मेरे व्लॉग चैनल को भी फॉलो कर लो। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव फन, स्टे हार्ड एंड पीस।